प्रदेश सरकार के मंत्री समूह द्वारा कल आजमगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन और निरीक्षण किया गया। मंत्री समूह में शामिल प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जनपद के कई स्थानों पर विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही जन चौपाल लगाकर आम लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री समूह द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र, पाठ्य पुस्तकें और किट आदि का वितरण भी किया गया। मंत्री समूह अध्यक्ष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की संकल्पना है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज और क्षेत्र का चातुर्दिक विकास हो। उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। विद्यालय आपने देखा, बल ये अपनी मरीन बस्ती है, बगल में उसका दौरा हुआ तो यही सब प्राथमिकता है। जो समाज का हमारा आखिरी व्यक्ति है उसके तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और उसके जीवन में हमारे उसके रास्ते, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब का उसका क्या लाभ उसको मिल रहा है, जो कमियां हैं उसको दूर करने का हर संभव प्रयास हो रहा है। कुछ लोगों के आवास किस्त, दो किस्त मिल गई, तीसरी किस्त बाकी है। कुछ लोगों के आवास अप्लाई है वो अभी तक नहीं मिले हैं। इन्हीं सब कामों को खोज खोज के हम लोग इसीलिए उनके बीच में जा रहे हैं कि जो काम अब तक छूटे हों, जो लाभार्थी हैं उनसे तो मिलना ही है, जो छूटे हुए लोग हैं कम से कम उनको तलाश के उनको लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास संगठन और शासन की तरफ से। हमारा नाम आयुष है। हमारे स्कूल पर, प्राथमिक विद्यालय पर मंत्री, प्रदेश मंत्री आए थे, वो हम लोगों को 7 की किताब दिए हैं। हम लोग पढ़ेंगे और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ।